दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल होने वाली है। अगर आप एक एडवेंचर लवर हैं या आप बहुत ज़्यादा ट्रेवल करते हैं या आप कोई कैंपिंग वगैरह करना पसंद करते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे यूज़फुल प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। तो पेश आपके सामने दुनिया की सबसे ज़्यादा छोटी और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फ्लैशलाइट। जी हाँ दोस्तों, यह जो फ्लैशलाइट है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसी के साथ आपके लिए मैं एक और प्रोडक्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है करी एलईडी फ्लैशलाइट। दोस्तों यह भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फ्लैशलाइट है और हम इन दोनों की कंपैरिजन करके देखेंगे कि आपको कौन सा परचेज़ करना चाहिए और कौन सा परचेज़ नहीं करना चाहिए कैंपिंग पर्पज़ के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, इसलिए शुरुआत से लेकर पूरा अंत तक वीडियो को देखिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लेना ताकि इसी तरह की मज़ेदार वीडियो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल सके। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा डोकोस क्री एलईडी का बॉक्स। तो दोस्तों इसका बॉक्स कुछ इस तरह से है, बहुत ही बढ़िया बॉक्स यहाँ पे दिया गया है और साथ में एक टेप यहाँ पे लगाई हुई है और पीछे की साइड यहाँ पे कुछ कंपनी के नंबर मेंशन किए हुए हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है इस प्रोडक्ट से रिगार्डिंग तो आप कस्टमर केयर को कॉल करके आप किसी भी प्रकार की जानकारी इससे रिलेटेड ले सकते हैं। तो दोस्तों फटाफट से इसके बॉक्स को करते हैं हम अनबॉक्स और इस टेप को हम रिमूव करते हैं और देखते हैं हमें इस टॉर्च के बॉक्स के अंदर क्या कुछ इसके साथ मिलता है। तो दोस्तों फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस बॉक्स पे इसके कुछ फीचर्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 5 लाइटिंग मोड्स, वाटर प्रूफ एल्यूमिनियम टच बॉडी, पोर्टेबल एडजस्टेबल जूम एंड टॉर्च। तो दोस्तों ये पूरी तरह से वाटर प्रूफ है और इसी के साथ में एक यूज़र मैनुअल आपको दिया हुआ है कि आपको इसमें बैटरी किस तरह से लगानी है। और इसके अलावा यहाँ पे हमें एक सेल मिलता है जो इसके अंदर हम डायरेक्ट इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। 18650 का यहाँ पे हमें सेल मिलता है जो कि बहुत ही बढ़िया सेल है, बहुत ही ज़्यादा आपको बैटरी बैकअप ये दे सकता है। और इसके साथ यहाँ पे सेल होल्डर भी मिलता है और यहाँ पे हमें एक सेल का चार्जर भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, ये इसका बहुत ही बढ़िया फीचर है। तो दोस्तों आप इस चार्जर के माध्यम से इस सेल को दोबारा रिचार्ज भी कर सकते हैं, आपको कोई बार बार एक्स्ट्रा सेल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके अलावा हमारे पास जो हमारी मेन टॉर्च है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने में प्रीमियम सी लग रही है और यहाँ पे डोकोस की ब्रांडिंग दी हुई है और सामने फ्रंट में भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ग्लास दिया हुआ है। और देख सकते हैं दोस्तों बिल्ड क्वालिटी देखने में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है, दोस्तों काफ़ी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है। और यहाँ पे आप इसके नेक पे देख सकते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशन लिखे हैं कि किस तरीके से आप इसको जूम कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, आप इसको अपने एक रिकॉर्डिंग जूम कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये जूम होता है, तो इसको मैं आपको यूज़ करके दिखाऊँगा कि किस तरह से इसका जो जूम वाला फीचर है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इसका जो लेंस है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे लेंस दिया हुआ है, ओवरऑल बहुत ही अच्छी टॉर्च है ये। और यहाँ पे बैक साइड में इसका जो बैटरी कंपार्टमेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है, आप इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप 18650 बैटरी भी इंसर्ट कर सकते हैं, साथ में आपको यहाँ पे AAA बैटरी का कंपार्टमेंट भी देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप चाहें तो AAA बैटरी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे ओरिंग आपको देखने के मिल जाती है जो इसको पूरी तरह से वाटरप्रूफ बनाती है। और दोस्तों हमारे पास यहाँ पे है दुनिया की सबसे छोटी और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फ्लैशलाइट। यहाँ पे इसी के साथ बहुत सारे फीचर इसके जो मेंशन किए हुए हैं, इसमें आपको COB लाइट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है और साथ में एनर्जी सेविंग ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है और साथ में वाटरप्रूफ टॉर्च है ये, यानी कि पानी से ख़राब होने वाली नहीं है। और साथ में एक्सप्लोजन प्रूफ का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि ये धमाके वगैरह से फटने वाली बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको ईजिली अपने पास रख के भी सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल बॉक्स की बात करें तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है प्रोटेक्शन के लिए और फटाफट से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही अच्छी यहाँ पे ग्रिप दी हुई है ताकि प्रोडक्ट डैमेज ना हो और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की ग्रिप यहाँ पे दी हुई है। और सबसे पहले यहाँ पे आपको USB टाइप सी है ना, हाँ टाइप सी की केबल यहाँ पे आपको मिल जाती है। और अब आते हैं हमारे जो मेन प्रोडक्ट की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बढ़िया देखने में प्रीमियम सी ये भी टॉर्च लग रही है, बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है दोस्तों, प्योर एलुमिनियम एलॉय से बनी हुई है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की टॉर्च है। और अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो इन दोनों प्रोडक्ट का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,
आप वहाँ से इजीली इसको परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम इन दोनों प्रोडक्ट को कंपेयर करके देखते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा जो प्रोडक्ट है आपको अपने लिए खरीदना चाहिए। तो दोस्तों अभी हम अपनी छत पे आ गया हूँ और अभी छोटी वाली टॉर्च को मैं पहले आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों इसके बटन को प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है। दोस्तों काफ़ी इसकी रोशनी है, बहुत ही बढ़िया इसकी रोशनी है। दोस्तों देख सकते हैं इसको जूम करने पर कितनी दूर तक यहाँ पे जा रही है, बहुत ही ज़्यादा लेज़र वाला इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये टॉर्च आपकी 200 से 300 मीटर का आपका जो एरिया है उसको ईजिली कवर कर देती है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, साइज में छोटी है, कॉम्पैक्ट है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों जो डोकोस की टॉर्च है उसको भी हम यूज़ करके देख लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे डोकोस की टॉर्च भी किसी से कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ रोशनी है इसकी, छोटे वाले से भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ रोशनी है इसकी। दोस्तों तो दोस्तों डोकोस की जो फ्लैश लाइट है इसमें आपको 5 मोड देखने के लिए मिल जाते हैं, वो 5 मोड मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। दोस्तों आपको इन दोनों में से कौन से वाला जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा, अब करते हैं इन दोनों के प्राइस की बात। तो दोस्तों ये वाली जो टॉर्च है वो आपको 700 में मिल जाएगी, इसका परचेज लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये वाली जो फ्लैश लाइट है वो आपको 300 रुपये में पड़ जाएगी, इसका जो परचेज लिंक है वो भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इजीली इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप मेरी ओपिनियन की माने तो ये दोनों ही फ्लैशलाइट बेटर हैं, आप इसमें से अपने ज़रूरत के हिसाब से कोई भी परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में घंटे के निशान को दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल सके। तो मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।